बोलते मामा मुझे मैडम बोलती है आप कॉपी कब लाओगे, जब आपका बाप छूट जाएगा जेल से, फीस कब लाओगे जब बाप छूटेगा जेल से। आयशा आयशा अच्छा बाबा का जी आपका नंबर ली। रात के पौने एक बजे दरवाजे पे दस्तक हो गई तो हिलाल ने बोला कि शायद पुलिस आ गई है, क्योंकि मैंने सुना था हालात ख़राब होने वाली है। उसके बाद मतलब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने 3-4 बंदे पुलिस के देखे, उनमें से डीओ साहब भी आए थे। तो फिर मैंने उन्होंने बोला इसको हमारे साथ आना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि हमें पता है हालात ख़राब होने वाले हैं, लेकिन अभी मतलब आपको पता है मुझे घर में कोई है नहीं तीसरा बंदा, बच्चे 2 है और हम 2 हैं, यहाँ पे क्या करूँगी मैं अकेले। फिर उसने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों की बात है, अभी मतलब हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं कल से। फिर मैंने उनको बोला ठीक है ये कल सुबह आ जाएगा, ये भागेगा नहीं कहीं, मैं इसको खुद ले कर आऊँगी। उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो इसको ले गए वहाँ पे थाने पे। दूसरे दिन मैं थाने पे पहुँची तो वहाँ पे मैंने बहुत लड़कों को देखा, यहाँ ये हमारे मोहल्ले के और वहाँ दूसरा मोहल्ला है हबा कदल, वहाँ उस साइड से भी थे लड़के वहाँ पे। उसके बाद लगभग 3 दिन के बाद ईद थी, 3-4 दिन के बाद, तो मैं थाने पे गई। मैंने उनको बोला कि मतलब ईद आ रही है, मुझे घर में छोटे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है ये 6 साल का, ये बाप को रोज़ ढूंढता है। उन्होंने बोला हमें वहाँ से ऑर्डर आया है कि इनको सेफ्टी के लिए आप यहाँ पे रखो, खाली हिलाल नहीं है बहुत है यहाँ पे। फिर मैंने उनको बोला कि ये बहुत जो है इनके घर में दूसरे बंदे हैं, मुझे घर में कोई नहीं है, आपको तो पता है जो ये कमाता है वही हम खाते हैं। उन्होंने मगर नहीं माना वहाँ पर, तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं है ईद के एक दिन पहले इसको छोड़ देंगे। फिर हम थाने पे गए, वहाँ पे किसी ने बोला आप कपड़े लेके आओ। मैंने बोला कपड़े किस लिए चाहे, उन्होंने बोला उसको टेस्ट करने के लिए ले गए तो इनको सेंट्रल जेल भेजना है। फिर वहाँ पे मैं अंदर गई, मैंने डीओ साहब से बात की, उसने बोला ऐसा कोई मसला नहीं है आप डरो मत, कोई 107 कोई पर्चा है वो है इसमें, इसमें बाकी कुछ नहीं है, हालात थोड़े सुधर जाएंगे इनको छोड़ देंगे। फिर मैंने उनको बोला ठीक है एक बार आप हमें उनको दिखा दो, मतलब कम से कम हम बात तो कर सकते हैं, मुझे घर में कुछ भी नहीं है, ना खाने का सामान है ना बच्चों के लिए कुछ है, ईद आ रही है, बेटा बोलता है मामा मुझे कपड़े लाओ। रात के 9:30 बजे तक मैं सड़क पर थी, मैं ऐसे ही रुक गई थी, मगर उन्होंने नहीं लाया उसको वापस वहाँ से। उसी रात उन्होंने रात को उसको वहाँ पे पहुँचाया था सेंट्रल जेल। रात को मैं घर आ गई, मैं ऐसे ही जाग रही थी रात भर, बेटा बोलते हैं मामा बाबा को क्यों नहीं साथ लाया। मैं दूसरे दिन सेंट्रल जेल पहुँची, वहाँ पे नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब मैंने बहुत सारी मिन्नतें की उनको, बोला आप यहाँ से निकलो, हमने बोला उसको कल ही लेके आए हैं, अभी उनका नाम भी लिस्ट में नहीं चढ़ा, हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, मेरी बेटी छोटी है 1.5 साल की, वो वहाँ पे दरवाजे पे उसको दस्तक दे रही थी कि मुझे बाबा को देखना है, मगर उन्होंने नहीं माना वहाँ पे। फिर वहाँ से एक बंदा वापस आया, उसने बोला दीदी आप रुको यहीं पर, आपकी बेटी बहुत रो रही है, मैं देखता हूँ कंप्यूटर पर उसका नाम आया है कि नहीं। फिर वहाँ पे वो वापस आ गया, उसने बोला आप नंबर ले लो, आधार कार्ड अपना दे दो। तो फिर वहाँ पे मैं पहुँची, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, हद से भी ज़्यादा, लगभग 7 जगह पे चेकिंग होती है वहाँ पे। चेकिंग में मेरी बेटी को डायपर पहन के था, उसको वो तक निकाला वहाँ पे। बाबे मैंने उनको बहुत बोला कि मतलब ये बच्ची है, बच्ची को मतलब ऐसे आप डायपर निकालते हो ये गलत बात है, धागा लगा के था उसको वो भी निकाल दिया, बोला ये यहाँ के रूल है।
लास्ट में मैं वहाँ पे पहुँची, जब मैंने उसको देखा तो मैंने मतलब अजीब सा वहाँ पे देखा, मतलब ऐसे नहीं हम बैठ पाए एक दूसरे के सामने हम बात कर सके। वहाँ पे कुछ मतलब लोहों का दीवार बना था ऐसे लोहे का। वहाँ पे मेरी बेटी ने एक हफ्ते के बाद अपने बाप को देखा तो वो उसको ऐसे पकड़ रही थी, वो बात क्यों वहाँ से आ रही है, मैं यहाँ से क्यों नहीं देख रही हूँ, मेरा बाप कहाँ है, वो उसको गले लगाना चाह रही थी। फिर उसने उन लोगों के मतलब जो रॉड है उनको पकड़ा, फिर वो गेट से अंदर जाना चाह रही थी, वहाँ से सीआरपी वालों ने वापस भेजा उसको 5 बार, उन्होंने उसको बाप के पास भी नहीं छोड़ा। फिर वहाँ से एक बंदा आया, उसने उसको गोद में उठाया तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए उसने उसको गोद में पकड़ाया। उसके बाद मैं बाहर आई तो बोला कि 10 दिन के बाद आना, 10 दिन से पहले यहाँ नहीं आना, ऐसे मतलब मुलाकात नहीं हो सकती है। उसके बाद मैं थाने पे गई तो डीओ साहब ने बोला कि 15 अगस्त तक मतलब ऑर्डर है, हम किसी को नहीं छोड़ सकते, हमें पता है आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आपको कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो उसके बाद 15 अगस्त भी निकल गया, उसके बाद फिर हम गए थाने पर, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। इसी दौरान मेरी बेटी यहाँ पे बैठी थी, उसको मैं डायपर पहना रही थी यहाँ पे, उसको किसी बच्चे ने बाहर से आवाज़ दी बाबा आ गया। मैं उसका यहाँ पे पैंट ढूंढ रही थी, वो ऐसे ही बाहर निकली यहाँ से दरवाजे से तो उसको कुत्ते ने काटा। फिर मैं हॉस्पिटल गई उसको लेके, तो हॉस्पिटल में उन्होंने इंजेक्शन 2 पहले फ्री में किए, उसके बाद बोला आपको 4000 में ये 6 इंजेक्शन आएंगे। मैं वहीं पे नीचे बैठ गई और मैं रोने लगी। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर साहब आ गया, उसने बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। मैंने बोला कि ऐसी बात है, मेरा मतलब जो शौहर है वो बंद है, वो यहाँ पर नहीं है, मुझे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, 2 बार मेरे बच्चे को यहाँ पे पड़ोसियों ने खाना खिलाया। फिर उसने वो चिट्ठी ले ली, वो सीएमओ साहब के पास गए, फिर सीएमओ साहब को बोला कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, इसको 2 बच्चे हैं, तो ये घर में इसका पति है वो बंद है। सीएमओ साहब ने वहाँ पे उस पर स्टैम्प लगाई तो ने बोला इसको बोलो ठीक है, उसने 2000 कंसेशन किए। वहाँ पे मैंने सिर्फ उसको 4 इंजेक्शन किए, 1000 मैंने, मुझे पता नहीं किसी ने यहाँ पे मदद की थी तो कुछ पैसों की, मैंने सोचा था मैं घर में सामान लाऊंगी। फिर मैंने वो 1000 वहाँ पे भरा तो इसको 4 इंजेक्शन किए, उसके बाद 27 तारीख को और 1000 भरना था और 2 इंजेक्शन और करने थे, मगर मैंने नहीं करवाए। मगर यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है कि क्या होता है, कोई भूखा मरता है, किसी के बच्चे हैं वो मरे या जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं फिर सेंटर जेल गई, वहाँ पे मैंने उसको देखा तो वो बीमार था, मैंने उससे बात की, वहाँ पे मुझे ये बेटा है मेरा ये साथ था उस दिन, जब इसने बाप को देखा तो मतलब इसका दम घुट गया वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला ये बड़ा है, हम इसको अंदर नहीं छोड़ सकते, क्या पता इसके पास क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से आ गई तो शाम को इसका दम घुट गया, ये ऐसे ही बैठा था, इसको इतनी हार्ट बीटिंग तेज़ हो गई, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने बोला इसको क्या टेंशन है, वहाँ से आ गई मुझे बोलता है कि मम्मी जिस बच्चे को टेंशन होती है वो क्या करता है। इसको मैंने बोला क्यों आपको क्या टेंशन है, बोलने लगा हमें मत बाबा है यहाँ पे, तो मैं डरता हूँ, मैं किसी को पैसे भी नहीं मांग पाता हूँ, मुझे बाबा रोज़ देता था 10-10 रुपये, अब मुझे कोई नहीं देता है। जिसको टेंशन होती है वो दरिया में छलांग मारता है ना, फिर वो मरता है। उसके बाद मैं फिर थाने पे गई मगर उन्होंने नहीं माना कुछ भी वहाँ पे। मैं मानती हूँ इनकी भी ड्यूटी है, मगर कम से कम गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है,
कम से कम उनको देखना चाहिए, किसी घर में बच्चा है वो मत मारेगा, किसी के पास खाली माँ होती है उसको मत, वही बेटा सहारा होता है, कोई बीमार पड़ता है वो दवाई ला भी पाता है वो मत, एक दवाई के टैबलेट के लिए मर जाएगा। यहाँ ये सब कोई नहीं समझता है। उन्होंने फिर उन्होंने बोला कि 27 और 28 सितंबर को कोई फैसला है, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद मैं फिर थाने पे गई, ऐसे ही मैं अकेले जाती हूँ वहाँ पे, सब देखते हैं मुझे, अब तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मतलब पता नहीं कौन किस नज़र से देखता है, किसके दिल में क्या है वो मैं नहीं समझती हूँ। किसी की नज़र गंदी भी पड़ती है, कोई अच्छे तरीके से भी बात करता है, तो मैं ऐसी बेटी को उठा के चली जाती हूँ। दो बार ऐसे हम बैठे थे, खाना भी नहीं हमने खाया, मगर मैं उसको क्या बोलती वहाँ पे, वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे सोचती हूँ उसको बोलूँ कि उसको टेंशन हो जाएगी। यहाँ पे शाम को मम्मी आती है, उसको भी नहीं बोल पाती हूँ, कोई बोलता है मायके जाओ, मगर वहाँ पे भी कोई नहीं है। मेरा पापा है वो बहुत बुजुर्ग है। अब मैं परसों फिर थाने पे गई थी, उन्होंने बोला अभी आप कुछ दिन रुको, उसके बाद फिर देखेंगे। फिर हमारे ये बच्चे उठाते हैं पत्थर, तो इनको बोलते हैं ये मिलिटेंट्स हैं, इनके हाथ में पत्थर है, चलो जी इनको मिलिटेंट्स का दर्जा दे दो, अब इनको मिलिटेंट करार दे दो, जेलों में बंद रखो, PSA दे दो। मैंने बोला तब तक क्या मारूंगी मैं, बच्चों को मार दो फिर मुझे भी मार दो, इनको भी ले जाओ वहीं पर, फिर हम चारों को ले जाओ वहीं पर, एक ही साथ बैठेंगे। ये बेटा मेरा ट्यूशन जाता है, ये मुझे परसों बोलता है मामा मुझे कॉपी दो लानी है। लगभग 2 महीने से लगभग ये बोल रहा है, अब 3रा महीना हो गया उसको सेंट्रल जेल में। ये बच्चा है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैं कहाँ से लाऊंगी यहाँ पे, मतलब ये पत्थर हाथ में लेना, ये एहतजाज करना, कोई ऐसे फजूल में नहीं मतलब एहतजाज करता है, पत्थर उठाता है, पता है सबको जुल्म है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जुल्म है।